ये कल की कुछ फोटोज़ हैं जहाँ मैं कल गया था। कल की वीडियो में आपने देखा था, जो ये वहाँ का देख लिया आपने। I have a mungri. Let's do it. करंग किया जाए इसको, करंग। आपसे पूछो मैं कि मैं कम आंच में बढ़ाने से क्या होता टेस्टी होती है? सब लोग तेज आंच में बढ़ाते तो मतलब मजा नहीं आता फिर ना, तेज में पकती नहीं है ना सही से। तो ओके, नमस्कार आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छा देवभूमि उत्तराखंड के एक खास कार्यक्रम में, जमच के आप आनंद उठाने सभी कार्यक्रमों को अपनी बोली अपनी भाषा में चाहिए दिल से। तो यह चैनल है बोलते पहाड़, जिसमें कि आप आनंद उठाते हैं सभी कार्यक्रमों का हर रात को 9 बजे। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो या सिंपली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, बट टिहरी डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए। ओके, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत अभी इस टाइम पे स्पेशली जो कि हेल्थ केयर में जो कि जुड़ना चाहते हैं या सिंपली वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या जो जॉब कर चुके हैं उन सब के लिए एक जॉब आया है बेसिकली। तो मेरे पास उसका फॉर्म आ चुका है, मैं सिंपली एक डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, गूगल डॉक्यूमेंट का एक एक फॉर्म टाइप का, गूगल फॉर्म है बेसिकली हो, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। थोड़ा सा जान लेते हैं, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत बहुत सारे जो लोग हैं जो कि जॉब नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, जॉब की जिनको ज़रूरत है उनके लिए स्पेशली ये है। अगर आप लोगों का मेडिकल फील्ड है, सिंपली जो आपका मेडिकल प्रोफेशन जिन्होंने चूज़ किया है सिंपली आप अगर उससे बिलोंग करते हो या फिर आप लोग जुड़ना चाहते हो मेडिकल फील्ड से या मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरना। अगर आप लोगों ने कभी भी मेडिकल फील्ड की कोई ट्रेनिंग नहीं ली या सिंपली आप लोगों ने मतलब 10th किया है, 12th किया, उसके बाद भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन की है या सिंपली आपने ITI किया है तो उसके थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग फ्रेशर हो इस फील्ड में यानी कि इस मेडिकल फील्ड में या मेडिकल प्रोफेशन में तो सिंपली 21 डेज की एक जॉब ट्रेनिंग मिलेगी आपको और सिंपली वहाँ पे क्या है आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद डायरेक्टली 3 मंथ्स के लिए यानी कि 21 डेज का 3 महीने के लिए आपको ऑन द स्पॉट जहाँ जहाँ जो ब्लॉक में अलग अलग हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगी। यानी कि 3 महीने तक आपको वहाँ पे विद आपको पे भी करेंगे, साथ साथ में आपको एज इन प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगी उस जगह पे जहाँ पे आप जॉब करोगे। इसके अलावा अगर आप लोग पहले से ही इस फील्ड में हो, ऑलरेडी आप कोई जॉब कर चुके हो, सिंपली आप कहीं कहीं भी हो, मतलब अगर आप लोग इंटरेस्टेड इस चीज़ में तो आप लोग भी कर सकते हो। सो सिंपली जिन लोगों को ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है जो दोबारा से मेडिकल फील्ड में या सिंपली कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी पोजीशन वगैरह तो आप लोगों को 7 डेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि 7 दिन में आप सब कुछ कवर करोगे, एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका होगा। उसके अलावा उसके बाद आपको 3 मंथ्स के लिए डायरेक्टली ऑन जॉब मतलब आपको ड्यूटी दी जाएगी। तो आप किसी भी हॉस्पिटल या जो भी मतलब मेडिकल जहाँ के लिए आप सिलेक्ट मतलब किए जाओगे तो वहाँ पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिंपली मैं फॉर्म दिखाता हूँ कैसे फॉर्म है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, तो जो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में सिंपली कुछ डिटेल्स लिखी हैं कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 21 डेज के लिए ट्रेनिंग है, 3 मंथ्स ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी उसके बाद, और जो ऑलरेडी जिन्होंने स्किल्स ले रखी हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना जो पहले इसका आया होगा तो सिंपली ये उनके लिए 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 3 मंथ्स ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ठीक है, उसके अलावा कैसे कैसे भरना है, एप्लीकेंट नेम अपने यहाँ पे नाम आपको लिखना है, 18 साल से अगर कम एज के हैं तो ये भरना है, फिर अगर आप 18 से 45 साल के बीच में तो ये आपको टैप करना है और यहाँ पे ओवर यानी कि 45 से ज़्यादा साल के अगर आप हैं तो यहाँ पे टैप करना है। ब्लॉक सिंपली आप लोग टैप करोगे जो आपका ब्लॉक, फॉर एग्जांपल मैं टीरी में रहता हूँ तो हमारा ब्लॉक चंबा है, तो सिंपली जैसे अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे चंबा पे क्लियर टैप करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रताप नगर ब्लॉक के हो तो आप सिंपली यहाँ पे टैप करोगे, जो भी आपका ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर लेना क्योंकि वहीं नियर बाई ट्रेनिंग होगी इसलिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, उसके अलावा यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या है जॉब रोल यहाँ पे देखना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहला इसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक, फिर इसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, फिर इसमें है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस यानी कि जो क्रिटिकल केयर वाले होते हैं होम हेल्थ एड के लिए, और यह मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट अदरवाइज यहाँ पे क्या है, और यह है आपका फ्लेबोटमिस्ट। फ्लेबोटमिस्ट क्या होता है, फ्लेबोटमी मीन्स ये वो आपका सिंपली जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल्स लेते हैं, आई थिंक यही है। ये सिंपली आपको क्वालिफिकेशन टाइप करनी है, अगर आप 10th आपने किया 10th पे टाइप करोगे, 12th किया तो 12th में, जो भी आपका हाईएस्ट पोस्ट है ITI किया तो ये, पॉलिटेक्निक किया तो ये, अदरवाइज अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो इसमें आप टाइप करोगे सिंपली। और यहाँ पे क्या है दो चीज़ें हैं, अगर आप लोग फ्रेशर हो
तो आप इस पे ट्रैप करोगे, यानी कि आप अनट्रेंड हो, इसलिए आपको इस पे टैप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली है तो उसमें फिर आपको इसमें टैप करना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना, ठीक है। अगर आप लोग टिहरी डिस्ट्रिक्ट के हो, इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप लोगों ने पहले भी किया, आपको फिर से अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करना, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर दिस थिंग, तो गो फॉर इट, ओके। कल की वीडियोस के टॉप 10 कमेंट्स हैं कंवर चंद जी, फिर हैं पूजा मतपाल जी, जानकी लामू जी, रमेश पांडे जी, उसके अलावा अर्जुन पेटवाल जी, दर्शन लाल जी, मनीष वर्मा जी और रीना बिस जी, संजू रौतेला जी एंड निकित तमंग। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द फास्टेस्ट कमेंट एंड आई एम हैप्पी। बाकी हम लोग फेल हो गए, कल मैंने बोला था 200 का टारगेट होना चाहिए वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ लाइक कितने मिले, 138, सो वी फेल्ड इन द लास्ट वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो में आप लोग 200 लाइक कंप्लीट करते हो कि नहीं करते हो, लेट्स डू इट। तो आज की वीडियो बहुत छोटी है सिंपली क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी थी, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, आज उसी काम में मैं काफ़ी बिजी रहा, तो फिर प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद फॉर्म फिल करना, ठीक है। हे गाइस, आज का गढ़वाली वर्ड है अखोड़, इसको हम अखोड़ बोलते हैं गढ़वाली में, आप लोग मोस्टली इसको अखरोट बोलते होंगे सिंपली, है ना, इसको हम गढ़वाली में बोलते हैं अखोड़, तो अखोड़ इज़ द वर्ड, लाइक यू अखोड़ चा, मीन्स की ये अखोड़ है, यानी कि सॉरी ये अखरोट है, ठीक है। तो ये था आज का गढ़वाली वर्ड, आई होप आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं कल रात को 9 बजे, तब तक के लिए मेरी तरफ से यानी कि आशीष शर्मा की तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय हिंद और जय भारत।